बचपन में क्या अभी प्रैक्टिस तो होती नहीं थी इन चीजों की, तो बहुत तेज सोचा कि मैं मैगो ड्रिंक टॉयलेट, मैं मैगो ड्रिंक टॉयलेट, ऐसे गलत बोल दिया हमने मान लो। तो पहले ये नहीं कि हमें पेशाब करने जाने दे, पहले करेक्ट करा रहे, नो से इट करेक्टली, अरे निकल जाएगी ये भाई, मेरा निकल गया था, हां वापसी में करा लियो यार। सर माइकल का भाई था वो, सर ऐसे हो तो कौन माइकल, ये किसने क्या किया, ये तुम कल इसका हाथ पकड़ के बैठी थी, मैंने तुम्हें देखा था यहाँ पर। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद योग बताए। भाई स्कूल में हर टीचर्स डे की शुरुआत इसी से होती थी, तो हमने भी आज के एपिसोड की शुरुआत इसी से की है। सीधा स्वागत है आप सभी का हमारे टीचर्स डे स्पेशल एपिसोड में। और पहला टीचर कौन था जीवन में, जीवन में पहला टीचर तो कौन, क्या मम्मी थी, मम्मी हाँ। तो कहने की बात होती है, मेरे को कहना पड़ता है जब ऐसी बात हो कि मम्मी थी। कौन थी, पे तेरी मम्मी नहीं थी है? तुझे पहली चीज भाई, भाई बहन भी सिखाते थे, क्या सिखा रहे होते थे भाई, कुछ भी सिखाते थे, ये मत बोलना, ये मत खा, बचपन में तो भाई बहन क्या ही, मतलब हर चीज, ये तो वो हो गया कि बोलने के लिए कि माँ को दर्जा दे दो, बिल्कुल दर्जा मत दो, लेकिन भाई सिखाए तो कोई भी सिखा, पापा भी सिखा सकते हैं। जैसा मुझे लगता है ना कि पहला भूख मिटानी दादी हो तुम्हारे घर में, सोचो भूख मिटानी माँ ने सिखाई, कैसे सिखाई, बट बच्चा जब छोटा होता है तो तुम्हें पता था तब, नहीं माँ ने सिखाया ना कि पी और अपना पालन पोषण कर, वो सीख, वो सीख, चल वो सीख ही नहीं हुई, ठीक है ना, मैं वैसे बोल रहा हूँ ये तो हमने एक, ये तो चला, हाँ लाइव इमोशन में आके हमने एक वो बना दिया, ठीक है। अदरवाइज क्या आप दादा दादी भी, दिस एपिसोड इज प्रो टीचर्स एंटी मॉम, आज मैं लीक से हटके बात करने आया दोस्तों। अच्छा तो पहला तू लग रहा है जैसे भाई बहन पहले सिखाते, नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ कि सब सिखाते, घर वाले, घर वाले सब मिले, पहली बात क्या सिखाई होगी, पहली बात क्या हाइजीन का सिखाते हैं थोड़ा सा, हाँ हाथ धो के खाना चाहिए, बचपन में तो ये सिखाते कि सुसु बेड पे नहीं करना तो उतर जाना बेड से, वो भी एक लेसन होता है, आ तो ये वाला सुसु आए तो बता देना, सुसु करके सो, सुसु तो सुसु निकल जाएगा। और ये मुझे ऐसा लगता था कि अभी तुमने ही दूध पिलाया है तो दूध ही मत दो मुझे, हाँ वैसे तो अब बड़े होकर मुझे पता चला कि दूध इसलिए पिलाते थे कि सुसु ना आए, दूध ऐसा लिक्विड है कि आपकी प्यास भी मिटा देगा, दूध पी के सो गए तो रात भर प्यास नहीं लगेगी और सुसु भी नहीं आएगी, ये नहीं पता था मुझे। और ये मैं कोई वो अरविंद भाई के रील्स देख के नहीं बोल रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ भाई, ये मतलब ऋतुजा दिवेकर ने बोला ये तो, कि अगर आप सुसु कर, सॉरी दूध पी के सो गए, सुसु पी के मत सो जाना, सॉरी दूध पी के सोना तो सुसु नहीं आएगी और प्यास भी नहीं लगेगी। तो लेकिन मुद्दे की बात पे आते हैं, तो पहला घर वाले ही हमें चीजें सिखाते हैं, सुसु करना जैसे हो गया, और इससे बढ़ के बोलना सिखाते हैं मुझे लग रहा है, हाँ। बोलने टाइम भी तो हमें नहीं पता होता यार, मैं सिखाता हूं बट बुलवाते तो ऐसा नहीं होता कि आज बोलो पापा बोलो मम्मा पापा, पर उस समय तेरे दिमाग में क्या चल रहा, तेरे दिमाग में चला था कि मम्मा पापा ऐसे बोलूंगा, मुझे तो नहीं पता क्या चल रहा, बट वही ना शायद वो पहली सीख हमें मिलती है, ये सीख मिल गई, ये बोलना है, हाँ तब हम, मुझे लगता है तब हम सब कुछ ही सीख रहे होते हैं, तो हम ये भी सीख रहे होते हैं कि do's and don'ts, हर चीज सीख रहे होते हैं कि दीवार नहीं चाटनी है, हाँ, हर चीज तो सीख रहे होते हैं, लेकिन जब हम सीखने वाली उसमें आते हैं तो मुझे लगता है कि फिर वो घर वालों का वो वाला दौर आता है कि बाहर मत जाना, गली में चौकीदार पकड़ देगा, सिखाया जाता है कि कोई अनजान कुछ दे तो खाना मत, मतलब जीवन जीना सबसे पहले हमें सिखाया जाता है, और इस एज तक तो आई थिंक फिर हम स्कूल ही पहुंच जाते हैं, उससे पहले भी जब आप थोड़े समझदार हो जाते हैं, और टीवी से भी कितना सीखते हैं, जो बचपन में टीवी देख रहे होते हैं जब कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट उनकी वो कुछ भाषा बोलचाल वाली, जैसे मैंने सीख ली थी बहुत पता नहीं कैसे, एक दिन मैंने अपने पापा को फोन किया, मैं बच्ची सी थी और पापा मेरे से पूछ रहे कि और मेरी बेटी कैसी है, और मैं उनको बोल रही हूँ शट अप यू इंडियन डॉगी, ये कौन से चैनल चलती थी, और मेरे पापा ऑफिस में से लोगों के बीच में बैठे हुए, पापा कह रहे हैं अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, मैं पापा से बात कर रहा हूं, और मैं उनको ये कह रही हूं, तो ये तो तूने ही सीखा हुआ है, हमने ये सब नहीं सीखा, हमने फिल्म देख के कुछ सीखा भी तो डायलॉग बाजी वगैरह जैसे, लेकिन पिता के लिए डिसरेस्पेक्टफुल नहीं भाई कोई फिल्म, अरे मैं पता ही नहीं था ना मेरे को कि मैं किसको क्या कार्टून ही गलत देख रही थी, नहीं फिल्म कह रही है कोई पेट्रियोटिक फिल्म में, ऐसे डैनी बोलते हैं ना किसी फिल्म में, समझ गया, अंग्रेज जब बोलते हैं उनको, ये डायलॉग ही बहुत ऐसा कुलभूषण खरबंदा का लग रहा है, शट अप यू इंडियन डॉगी, किसी गरीब को बोल दिया कुछ, बट स्कूल में तो प्ले स्कूल का तो मेरे को आज सच कुछ याद नहीं है, बचपन वाले उसमें आंगनवाड़ी में जाते थे तो वहां दलिया खाने पता नहीं क्या ब्रेड मिलती थी तमाम, अच्छा तो ब्रेड ब्रेड मिलती थी, उसमें वो चेरी से लगे रहते थे छोटे छोटे, तो आंगनवाड़ी वालों को भी टीचर का दर्जा दिया माँ का दर्जा दिया जाए, पता नहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मेरे को तो बिल बहुत खराब लगती थी, नहीं वो क्या करती थी, एक तो बच्चे होते थे पंखा होता था, वो पंखा अपनी तरफ करके बैठी रहती थी,
हमें गर्मी लग रही होती थी वहां पे, मैं इस वजह से आंगनवाड़ी नहीं जाता था और वैसे पिटा भी था। पंखा अपनी तरफ, दलिया अपनी तरफ, बच्चों को कुछ नहीं देती वो। हाँ, और वो कई बार तो ऐसा लगता था ब्रेड में से वो भी खा गई। उसके लालच में तो जाता था मैं, वो जो चेरी से होते थे, क्या कहते थे, केक के पीस छोटे थे बन, और उसमें भी होती, मैं सिर्फ उसके लालच में जाता था मैं, वो लाकर भी वो खाता था, ब्रेड छोड़ देता था घर में। कई बार लगता था कि वो भी निकाल के खा गई हमारे, पंखा नहीं चलाती थी। उस चक्कर में मैं जाता नहीं था, उस चक्कर में पिटा था मैं पापा से अपने गली में, पिटा था। तो वहां मैंने कुछ नहीं सीखा, तो बहुत शुरुआत में इसको निकुम्ब सर मिलने चाहिए थे, जो इसको तो आंगनवाड़ी से गलत शिक्षिकाएं तुझे मिल गई। सही में भाई, मैं अपना याद करूं तो मुझे नर्सरी, मतलब मेरी तो जो नर्सरी के जी में मैम थी वंदना मैम, मुझे अभी तक याद है कि भाई उनसे तो ऐसे पारिवारिक संबंध हो गए थे हमारे, कुछ सेम कास्ट की थी तो ऐसे रिश्तेदारी भी निकल आई दूर की, अदरवाइज ये तो था कि बहुत क्लोज हैं ये। तो मुझे आज भी याद है कि आई थिंक कौन सी क्लास में हूँ, के जी या फर्स्ट क्लास में था कि जब मेरे घर पर बहन पैदा हुई, ठीक है, तो मुझे वो सीन बहुत क्लियरली याद है कि ऐसे पापा आएंगे, मम्मी बहन लेके आई है तेरे और वो हमारा स्कूल ऐसा था कि वॉकिंग, कोई ऐसा रिसेप्शनिस्ट और ये सब फॉर्मेलिटीज नहीं है कि पहले हमें वहाँ बुलाया जा रहा है, वहाँ पापा दे रहे हैं, तो सीधा वॉक करते हुए मेरी क्लास में आ गए, ऐसे मुझे आवाज़ दी, मैं इधर पीछे मुड़ के क्या करे, मम्मी बहन लेके आई है, चलो बैग पैक कर लो। तो मैं भी अपना बैग वैग भरा, मैम को भी ये गुड न्यूज़ दी, तो मम्मी कह रही चलिए ठीक है शाम को मिलते हैं। तो भाई शाम को मैं देख रहा हूँ कि मैम मेरी बहन को देखने, तो मैं अगले दिन लक्ष्मण में, मैं मेरी तो बहन को देखने आई थी मैम, तो मतलब हमारे तो हम तो उतने क्लोज हैं, मैम मेरी मम्मी से कह रही थी जल्दी से घर आ जाओ, ये सब बातें कर रही है मैम मेरी मम्मी से, तो मैं तो बहुत क्लोज हूँ। तो वो मेरे को वो मैम बहुत क्लियरली याद है, और वो वैसे काफ़ी वो अच्छी मैम थी, मतलब छोटी क्लास में जैसी एनकरेजिंग मैम होनी चाहिए ना, कि बहुत बच्चों को कि नहीं तुम क्यों नहीं पार्ट ले रहे हो, तुम भी पार्ट लो, तो उस तरीके से बिल्कुल इसकी वाली आंगनवाड़ी के ऑपोजिट, जैसे वो शायद ब्रेड पे मक्खन भी लगा देती होंगी कि नहीं नहीं खाओ यार बच्चों तुम ही खाओ, तो बहुत सपोर्टिव मुझे आ गए। उन्होंने मुझे ऐसे वो बनाया था सनफ्लावर, एक बार बनाया था बिल्कुल जैसे इमोजी अब दिखती है वैसे ही मैं बना था मेरे पूरे ऐसे ही, और मेरी हाँ फैंसी ड्रेस में सनफ्लावर, पता नहीं क्या पर्पज है सनफ्लावर बनने का, तो मैं सनफ्लावर बन के गया था, वो मुझे याद है। बहुत एनकरेजिंग, बहुत अच्छी मैम थी वो, तो और बच्चों से वो गलती भी होती है शुरुआत में कि मैम को मम्मी बोल दिया और उसमें जो पूरी क्लास हंसती है, ये हुआ है आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ, मतलब बच्चों के साथ होता है, यस मैम की जगह यस मम्मी बोल दिया, प्रेजेंट मैम की जगह प्रेजेंट मम्मी, मम्मी इश्यूज वहीं से शुरू होते हैं, वहीं आई थिंक वो वाला पहले बच्चे करते हैं। बट जैसे मेरी जितनी अच्छी थी ना सलोनी की भाई उतनी खराब उसकी, मुझे याद है वो दूसरे स्कूल से उसने पढ़ाई शुरू की, उसकी मैम ने तो उसको एंट्रेंस टेस्ट में चांटा मार दिया, चांटा बहुत सेडिस्ट पोएम थी यार वो बड़े होकर मैंने भी रिवाइज किया उनका, वो नर्सरी के जी को पढ़ाती थी, और बेसिकली हमारे क्या था नर्सरी के जी दो पीरियड पहले छूट जाती थी, लेकिन टीचर दो पीरियड पूरे करके जाएंगे, उनको ऐसे होल्ड पे रखा जाता था कि किसी क्लास में कोई एबसेंट है तो आपकी वहाँ ड्यूटी लग जाएगी, ऐसा कुछ होगा, तो वो टाइम पूरा करके जाती थी। अब बहुत सेडिस्ट पोएम क्या सलोनी, हमने उसको प्रिपेयर कराई सर्टेन चीज़ें कि कलर पहचानने ये सब, वो गई देने डायनासोर दिखा के उससे पूछने, ये क्या उसने बोल दिया क्रोकोडाइल, इतनी सी बात पे उसके चांटा मार दिया, अभी वो बच्चा तुम्हारा हुआ भी नहीं है यार, एंट्रेंस चांटा कैसे मार सकते, मार दिया चांटा फ्रस्ट्रेटेड रहती थी, मतलब वो वाली मैम थी कि अगर बैठे हुए क्लास में एक आवाज आ गई जीरो पीरियड, यार जीरो पीरियड मन करता है बात करने का यार, अभी अभी तो आप बैठे हो आगे क्या करें यार, अब पूरा थक गए, जीरो पीरियड आ गए अब कोई घर नहीं जाएगा, बेल बज रही है, हम देख रहे हैं सारे बच्चे जा रहे हैं, सेडिस्ट मजा आ रहा है, नहीं नहीं अब आज कोई घर नहीं जाएगा, मना किया था ना मैंने बातें करने का, अब करो बातें, ये वो घर की फ्रस्ट्रेशन जो बच्चों पे निकालने वाली, बहुत बुरी मैम यार, मतलब उनके जितना सेडिस्ट मैंने, मैं मार लो पीट लो कुछ कर लो कुछ एक्शन तो बैठे हो अब चुप बैठे रहो बस नहीं जाओगे घर, बैठे हुए हैं भाई, मैं जब फर्स्ट में था तो थी मैम ऐसी, वो मतलब थी मतलब बहुत तो अच्छी मैम होनी चाहिए यार, स्ट्रिक्ट थी बहुत ज्यादा, और ऐसी थी कि जिनका एकदम चेहरा साड़ा सा नहीं रहता, वही वही है कि आप रीना वो हंस के बात ही नहीं करेंगे, पता नहीं क्या नहीं नाम ही ध्यान नहीं उनका, हमारी तो रीना मैम थी, बॉयकट बाल उनके कर ली मुझे आज तक याद है, और एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे को बहुत लगा सुसु, हाँ लगता है बचपन में छुट्टी होने वाली है, पानी पीते रहते थे गर्मी में, पंखा वंखा पता नहीं था चलता था नहीं, तो मेरे को लगा बहुत तेज सुसु, और ऐसे छुट्टी होने वाली है कि 10-15 मिनट बचा, मैम मैम सुसु आ रही, नहीं छुट्टी हो जाएगी बैठ जाओ, जाने ना दे जाने ना दे, और मुझे इस पे मुझे ऐसे टीचर में बहुत गुस्सा आता था कि बचपन में क्या अभी प्रैक्टिस तो होती नहीं थी इन चीजों की, तो बहुत तेज सुसु, मैं गो ड्रिंक टॉयलेट ऐसे गलत बोल दिया हमने मान लो, तो पहले ये नहीं कि हमें पेशाब करने जाने दे, पहले करेक्ट करा रहे हैं, नो से इट करेक्टली, अरे निकल जाएगी ये भाई मेरा निकल गया था, हां वापसी में करा लियो यार, निकल गया आपका, हां मैं छोटा इतना सा था भाई निकल गया, अब मैं पता क्या कर रहा हूं,
पानी गिर गया यार एक बोतल थी थर्मस था थोड़ा सा गिरा लिया पैर पे पानी गिर गया यार ओवर जस्टिफाई भाई छुट्टी होने का वेट कर रहा हूँ मम्मी लेने आएंगी और मैं बाहर जाऊँ और सुस हो गया वो जाने नहीं दे रही मुझे बड़ी गंदी सिचुएशन में फंसा अच्छा सुसु सेकंड में मेरी जो टीचर आई वो उन्होंने फिफ्थ तक मेरी तो टीचर वो बहुत अच्छी थी अच्छा लेकिन सुसु मुझे फिर भी कम एम्बैरेसिंग लगा अगर पॉटी कर ली अरे मेरी क्लास में एक लड़का था वो बार बार करता था मेरी हर्षित मैम अपने पैंट उसके साथ पता प्रॉब्लम क्या थी मेरी क्लास में तो वो पर लेकिन हम उसके इतने थैंकफुल होते थे कि अब हर्षित ने कर ली तो अब हम भी कर नहीं क्लास गंदी हो गई क्लास साफ हो गई अब तब तक स्पोर्ट्स में चले जाए ओ आप पूरी क्लास उसके साथ पता क्या प्रॉब्लम थी उसके ना टांग में चोट लगी थी बचपन में एक्सीडेंट हुआ तो रॉड डली हुई थी शायद वो ना बैठ नहीं पाता था खुद से और नहीं होगा उसका साइकिल ठीक कुछ तो वो क्लास में उसने कई बार करी थी तो मैम ने भी एंड में ऐसा बोल दिया कि उसके पेरेंट्स को बुला के कि आप इसको या तो तमीज से करा के भेजा करो घर से ये कौन सा टाइम है इसका दोपहर के 3 बजे अरे हाँ तेरा तो दोपहर का स्कूल था वही तो दोपहर के 3 बजे आग देता है ये कौन सा टाइम है ये कौन सा टाइम है सुबह को तो समझ में फिफ्थ तक पढ़ा मेरे साथ और उसने कई बार किया फिफ्थ में एक बार तो मेरी गली के एक लड़के ने कर दी थी साथ में जाते थे हम और फिर उसका बड़ा भाई आगे पढ़ता था तो उसने आके उसको कच्चा दे दिया अपना पता नहीं अपना ही दिया होगा वो दो तो लाया नहीं होगा अपना ही दिया होगा और मैं कह रहा हूं इसको पता था घर पे से ये करेगा बचाने के लिए उसने अपना हां इसको पता था ये करेगा फिर इसने करने के दी मेरे को ये नहीं कि इसने अपना उतार के दे दिया होगा अच्छा ये कहां से घर जाके लाया होगा घर से तो स्कूल बहुत दूर है पर मेरी नजर में था बड़ा अच्छा भाई है अच्छा ले आया यार उसके लिए घर से मेरे साथ तो जैसे मेरी भी एक टीचर थी जो कभी नहीं जाने देती थी कि मतलब मैं आई गो टू फिल माई वाटर बॉटल वो उसके लिए भी मना कर देती थी और वॉशरूम भी नहीं जाने देती कि पीरियड के बाद जाना सेडिस्ट टीचर है हाँ मतलब उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है अच्छा अब मन नहीं लग रहा पढ़ाई में या फिर पीछे बैठी हुई तो क्या होता था पेन के पीछे वाला हिस्सा तो अपने मुंह में डाल के ऐसे वो बैठे रहते थे ना चबाते थे उस चीज को अब मुझे नहीं पता चला और कुछ ना कुछ ऐसे खेलते खेलते वो इंक मेरे मुंह में आ गई वो जेल पेन की जनरली और मेरे को फील हो गई मेरे टेस्ट आ गया वो मेरे मुंह में और वो मेरे को फील हो गई बट अब मुझे पता था कि अब यहाँ से तो ऐसे करके देख लगे शुड ब्लू ब्लू अब ये विश कैसे उलू में आज तो नीलकंठ होना पड़ेगा तो मैं खड़ी तो हुई बट मैं मुंह ना खोल पाऊं मैं बोल ना पाऊं कुछ और मैं अपनी बट वो मेरे लिए बहुत ही मैम कह रही है दिल्ली से आ जाना कानपुर कैसे पहुंच गए और मैम ओह गॉड फिर अल्टीमेटली मेरे को वहीं पे उनको समझ तो आया नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही फिर एक न्यूज़पेपर लिया मैंने वहीं पे उसको थूका थूका और फिर वो पूरा पूरा ब्लू हुआ हुआ था फिर मैम को दिखी गया कि ये क्या कर रही है पीछे टॉपिक पे हम वापस लौटे उससे पहले ये जानकारी भी हम अपनी ऑडियंस को दे दें कितना फर्क है हमारे बीच में कि हमने ऐसा ब्रेक में ये ड्रिंक ली तो भाई साधिका ने बताया कि वो 12th के बोर्ड्स में ये पीती थी मुझे 12th में रेड कलर होता है बुल होता है ये पता था रेड बुल एक रेसिंग टीम थी वो मुझे पता था बस ये ड्रिंक होती है हम पी सकते हैं अफोर्ड कर सकते हैं ये मेरे कॉन्सेप्ट में कहीं से कहीं तक भाई मैं तो क्या मेरे मोहल्ले के दुकानों वालों के कॉन्सेप्ट में नहीं रखते नहीं थे कि मैं जाके उनके फ्रिज में देख ही लूं कैसी दिखती है नहीं रखते थे होती नहीं थी हमारी कॉलोनी में ये होती ही नहीं थी या मेरे को खर्ची मिलती थी 12th में कि हाँ ये महीने की खर्ची ट्यूशन भी इसमें जाना है ट्यूशन से वापस भी इसमें आना है और मेरे पेरेंट्स कहीं और रह रहे थे तब तो मैं अपनी आंट के घर पे थी और वहाँ पे खर्ची होती वो शिफ्ट हो गए थे ग्रेटर नोएडा हम लोग यहीं पे दिल्ली में रहते थे साउथ दिल्ली में और फिर वो ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए बिकॉज मम्मा ने वहाँ पे नहीं माय पेरेंट्स शिफ्टेड और क्योंकि मेरा स्कूल मेरा सब कुछ मेरा ट्यूशन वगैरह सब मेरे घर के पास ही था पुराने वाले घर के पास तो मैं अपनी आंटी के घर रह रही थी क्योंकि मेरी मम्मा ने नहीं मेरी मॉम ने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोला था तो मेरे डैड चाहते थे कि कुछ टाइम वहाँ पे रुक जाए जब तक सेटल प्लेस टू ओपन रेस्टोरेंट ग्रेटर नोएडा बंद हो गया बाद में दंगों की वजह से पर हाँ ये अलग पुराना दौर है ना तब तो उस टाइम तो मतलब गोली वोली चल गई थी वहाँ पे तो ऐसा सब तो पैसे मांगती नहीं थी आंटी रेस्टोरेंट का मतलब है लंगर और क्या जो आए उसे खिलाओ तुम पैसे मांगोगे आदमी गोली भी ना चलाए तो आ यार ये कैसी बात है बट यस कमिंग बैक टू टीचर्स हम टीचर्स की बात है तो ये शुरुआत में सेकंड क्लास तक के टीचर्स आई थिंक हमने ब्रॉडली डिस्कस कर लिए और जो अच्छे नहीं थे मतलब ओके वो वाले टीचर्स थे जो मेनली ऐसा मोस्टली क्लास टीचर होता है स्टार्टिंग में था सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता है हां सारे सब्जेक्ट पढ़ा 5 6 हां पीरियड तक सब वो पढ़ाता फिर जब हम 6th में या अच्छा तेरा 6th में हमारे 6th में मेरे थर्ड ऑनवर्ड सब अलग-अलग
टीचर्स आना शुरू हुए थे। छठी में मेरे साथ हुआ था जब मैं वो दीवार लांग के दूसरी साइड गया था ना, एक बैरियर होता था कि भैया वो बड़ी क्लास है वहाँ भैया लोग बैठते हैं, वहाँ जो आपसे आपसे एक रुपए छीन लेते थे। वो तो मेरे उधर ही नहीं था, मेरी मेरी क्लास थी ऐसे, यहाँ मेरी रो खत्म होती थी फिर एक छोटा गेट था वहाँ पे एक रुपए। बट एक था मतलब वो क्लास आए थे कि हर सब्जेक्ट का अलग टीचर, थर्ड से था आई थिंक, मेरे भी थर्ड से कि थर्ड से हर सब्जेक्ट के अलग टीचर आ गए। मेरा तो स्कूल भी चेंज हुआ था तो नए स्कूल में मुझे एक टीचर जैसे बहुत डिस्टिंक्टली याद है कि एक इरा मैम होती थी, एक तो मैं उनके नाम से बहुत प्रभावित थी यार, इरा ये कैसा नाम हुआ पिछले स्कूल में क्या वही मम्मी मौसियों वाले नाम टीचर की, लेकिन इरा नाम की मैम, वो मैम थी एंटी पेंसिल थोड़ी सी, कि अगर पेंसिल छोटी हुई वो ट्रिगर हो जाती थी कि छोटी पेंसिल, उनको पेंसिल लंबी होनी चाहिए बच्चे के हाथ में, उनका ऐसा था तो वो लिटरली ये करती थी कि छोटी पेंसिल अगर उन्हें दिख गई छीनी फेंक दी और क्या डायलॉग मारती थी, 10 साल बाद आओगे यहाँ पेड़ लगा होगा तब तोड़ लेना उससे। तो छोटी पेंसिल वाले बच्चों में ऐसा खौफ था कि यार इससे नहीं लिखना मैम आगे छीन लेंगी, तो बच्चे उनके पीरियड के लिए अलग से बड़ी पेंसिल लेके आते थे कि इस पीरियड में तो छोटी पेंसिल नहीं रखी मैम आगे छीन लेंगी, बहुत उनके अंदर होता था। वो इम्प्रिंट है मेरे दिमाग में आज भी उन मैम की छवि, उन्होंने SST पढ़ाती थी उसमें क्या पढ़ाया मुझे वो अच्छे से कुछ याद नहीं, बट ये चीज़ उनकी मुझे याद है। मैं जब गया था तो 6th में गया था तो जो हमारे क्लास टीचर थे ऐसा तो पहले जीवन में लगता है कि बहुत ही कम होता होगा कि संस्कृत के टीचर क्लास टीचर हो। हाँ यार ये भी है कि सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर को रेट किया जाता है, तो संस्कृत के जो तो देख ना बच्चों को ही सिर्फ रेट नहीं किया जाता कि इसने आर्ट्स लिए, टीचर्स की भी हायरार्की उनके सब्जेक्ट संस्कृत वाले टीचर को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती है, सब्जेक्ट में भी जातिवाद चल रहा है तो बहुत गलत है। लेकिन संस्कृत के टीचर हमारे क्लास टीचर थे ओमकार सर नाम, क्लास टीचर हम हाँ, लेकिन भाई इतने सीधे थे कि बच्चे सुनते ही नहीं थे उनके, और इतना तरस आता था सर पे वो बोलते रहते थे, कोई सुनता रहता तब भी मुझे तब भी आता था, तो बड़े शरीर से दिखते थे पूरा अटायर भी उनका एक गुरुजी वाला था, चीख भी नहीं पाते थे ठीक से, बस ऐसे ही करते रहे, गुनिया इतना हरामी था कि पिछले पॉडकास्ट सर यहाँ पढ़ा रहे होते थे और गुनिया पूरी क्लास में नाच रहा होता था, इधर से उधर डंडा लेके घूम रहा है, टीचर बना हुआ है बच्चों पर, मतलब ऐसी हरकतें करता था जो मैं कैमरे पर नहीं बता सकता। गुनिया भी क्या करता है मैं समझ गया, इस घटना का गुनिया के पैंट से लेना देना है। नहीं मुझे नहीं आया समझ, चेक जिप खोल ली घूम रहा है क्लास में वो, हाँ जिप खोल के, ये अगर ये बता नहीं सकता तो ये यही घटना है। अब तो बता ही दिया मैंने, पर वो घूम रहा है पूरी क्लास में, सर सर को बच्चों ने घेरा हुआ, अपनी अटेंडेंस बढ़वा रहे हैं, नंबर बढ़वा रहे हैं, बहुत सीधे सर थे, और गुनिया घूम रहा है क्लास में ऐसे और बच्चों के डेस्क पे जा जाके आ बैठ देख तो, और सर का था कि सर को अगर शायद दिख भी रहा होगा ये करते हैं तो सर कुछ बोल नहीं पा रहे, ऐसे टीचर थे। और मतलब तब एक टीचरों की वैरायटी आती है और वो टीचर ऐसे होते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ रहे तो भाड़ जाओ, क्यों ना मतलब भी नहीं होता, वही आता है कि भाई गवर्नमेंट टीचर तब इतनी सख्ती भी नहीं होती होगी, गवर्नमेंट टीचर को गवर्नमेंट टीचर बनाते हैं बच्चे, उसके हालात ये सब जो चीज होती है, कोई टीचर घर से बुरा नहीं आता है, हालात बनाते गुनिया नाम के हालात जो होते हैं ना वो उन्हें मजबूर करते हैं, वो उन्हें मजबूर करते हैं कि कुछ ना करे। मुझे और अच्छे जो और जो कुछ SST की मैम थी वो थी जो थोड़ा सीरियसली पढ़ाती थी जिनके बच्चों डरते हुए थे, एक मैम थी इंग्लिश की वो थी, वो ना एज थी उनकी थोड़ी बुढ़िया थी वो, तूने एज ऐसे ही मतलब एज कम थी, नहीं नहीं एज थी उनकी अच्छी, लेकिन इंग्लिश की टीचर्स का एक वो होता है ना एक स्टीरियोटाइप, बहुत ना गुस्से में रहती थी, इंग्लिश की टीचर्स का एक स्टीरियोटाइप होता है कि वो ऐसी सुष्मिता सेन टाइप होती है, ये क्या था इस किया तूने इसके बिगड़ गई, ये भी हमारे साथ रहेगी भाई, अच्छा फिर इसको यहाँ क्यों रोक दिया पूरा क्यों नहीं किया, इंग्लिश की टीचर का एक स्टीरियोटाइप होता है ठीक है। तो वो मैम ना बहुत गुस्से में रहती थी, हमेशा ऐसे रहती थी कि सबसे आगे बैठ तो ऐसे नहीं बैठोगे हैं, ढंग से बैठो, कमर सीधी रखो, ये सब करती थी। तो मैंने एक दिन ऐसे बैठा हुआ तो सबसे आगे बैठा था मैं क्लास में, तो मेरे साथ एक लड़का बैठा था, उन्होंने कहा मैम हमेशा गुस्से में रहती है, उन्होंने कहा मैम ये कह रहा है हमेशा गुस्से में रहती है, ओ भाई मेरी तो फट गई, मैम क्या बोलेंगी क्या बता दिया, और मैम ने बोला कि मैम इमोशन हो गए, इमोशन हो गए और आंसू आ गए, क्योंकि मैम ने बोला कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हुए कुछ टाइम पहले, और अच्छा लगा मुझे तुमने ऐसे बोला, अब मैं और गिल्ट में कि मैंने तो इस मतलब से बोला भी नहीं था, मैम को अच्छा लगा ना डायलॉग ओपन हो गया, मैम को अच्छा लगा कि चलो शी ओपनड अप, किसी को लगा हाँ वो खुल गई थोड़ा सा बता पाई, हो सकता है उनके अंदर था, तो मुझे बड़ा मुझे और दुख हुआ यार, मैंने तो इससे बोला भी नहीं था, अगर टीचर्स ऐसी दिल से दिल की बात कर लेना संबंध सुधर जाते हैं फिर बच्चों से, ऐसा कुछ नहीं होगा, अरे यार गुनिया थे जिस क्लास में उसमें ऐसा नहीं होगा,
लेकिन हमारी क्लास में एक बार शायद मैंने पहले बताया, हमारे में ऐसा हुआ कि हमारे भी इलेवेंथ में जो सर थे, क्लास टीचर थे, बहुत अच्छे, पीएनटी नाम था उनका, लंबा नाम था, पशुपति नाथ तिवारी, बच्चे पीएनटी, खुद भी वो पीएनटी सर ही बोलते थे खुद को, तो बच्चे भी उन्हें पीएनटी, अच्छा सर की एक आदत भी होती है, जैसे टीचर्स अपने पोस्टर वगैरह छपवाते हैं ना, तो उस आगे सर लिखवाते हैं, मैथ्स बाय पीएनटी सर, ऐसा रहता है पोस्टर में, जो सर लगाते हैं, तो इंग्लिश पढ़ाते थे, तो उनको लैंग्वेज की बहुत नॉलेज थी, हिंदी इंग्लिश, मतलब चार चार शब्द पता होंगे, मीनिंग ये वो, बहुत अच्छे सर थे। एक कमजोरी थी इनकी, ईगो वाली, मैम कि बच्चों और मैम में चिड़ने पे आए तो मैम को चुनते थे, अरे हमें सौतेला कर देते थे, हमें बहुत ठगा ठगा फील होता था कि पूरा दिन ये आदमी हमसे अच्छा है, लेकिन अगर ईगो वाली मैम ने कुछ कहा कि सर आपकी क्लास, तो वो क्लास को भूल जाते थे। तो एक दिन ऐसी कुछ उन्होंने हाथ उठा दिया हमारे ऊपर मैम के बहकावे में आके, हम एकदम बच्चे बोल रहे हैं, एकदम दिल टूट गया बच्चों का, बच्चे नाराज हो गए कि नहीं नहीं बगावत, तो वो जीरो पीरियड में आए, बच्चे विश करने के लिए खड़े नहीं हुए, तो रिश्ता था एक मजबूत की बच्चों का, हम भी अपनी नाराजगी दिखाएंगे, सर समझ गए कि बच्चे नाराज है। लाइफ में शायद एक ही बार सर ने बच्चों को सॉरी बोला, सॉरी पीरियड में, आई नो आई ओवरडिड, ऐसा फुल इंग्लिश में उन्होंने भारी भरकम सॉरी बोला, वो सॉरी से बच्चों का ऐसा हो गया कि यार इस आदमी का नाम खराब नहीं करना है, ये इसने हमसे सॉरी बोल दिया यार, ये कितना स्वीट आदमी है, तो बच्चे मतलब रूट करने लगे यार सर के लिए, कि कुछ भी करेंगे यार सर आप तक बात नहीं आने देंगे, आपका नाम नहीं खराब होने देंगे, वैसा था। और मैं प्राइमरी वाले टीचर्स पे वापस जाऊँ, तो जैसे एक अच्छे टीचर ये सब थे, एक मैम आई भाई, वो भी उनका घर में पता नहीं इस तरह की तो प्रॉब्लम नहीं थी एटलीस्ट कि कोई हो रहा हो, मैरिड थी सब था ठीक है, बहुत चिड़चिड़ी थी, तो मैथ्स की मैम निशा उनका नाम है, मुझे आज भी याद है, बहुत चिड़चिड़ी और मैं चिड़चिड़ी रहती थी, मतलब कभी उनका हैप्पी मूड था ही नहीं कि उनकी क्वेश्चन प्रूव भी हो जाए तो भी कभी मैंने उनको नहीं देखा कि वो बहुत अच्छे मूड में हो ठीक है। अब उनको क्या हुआ एक बार, और फिफ्थ क्लास में हम थे, मुझे आज भी याद है, तो बच्चे ऐसे भी सीरियस होते नहीं थे, बकवास करते रहते थे कुछ भी, जैसे मेरे तो याद है उन्होंने कितनी बार मुँह पे टेप ही लगा दिया है असली में, तुम चुप ही नहीं बैठते हो, शुभम और उत्सव के मुँह पे टेप लगा, बहुत बार मैं टेप लगा के बस तक गया हूँ, अभी नहीं हटाओगे, और मैं वहाँ जाके हटा रहा हूँ, और वो मेरे लिए बैज ऑफ ऑनर है कि टेप लगी है साले आज क्लास में, देख रहा है पूरी बस को चौड़ में दिखा रहा हूँ कि टेप लगी थी भाई, और बच्चे भैया आपको टेप लगा दी मैम ने, बोले हमें तो बोलती हैं आपके लगा दी तो बड़ी बात है, बहुत इज्जत इससे हुई। लेकिन एक बार मुझे क्लियरली याद है क्या हुआ कि क्लास में ना बच्चे ऐसे रूमर्स फैलाना ये सब करते थे कि उसने ना उसको आई लव यू बोल दिया, कुछ नहीं पता आई लव यू क्या होता है क्या, ये खुश चल रही थी बोल दिया उसको आई लव यू, ये होते होते मैम तक पहुँच गई क्या करे। और उनका ना ऐसा होता था हमारे वो भाई बाढ़ में जाए वो इंसान जिसने टाइम टेबल बनाया था उस टाइम, एक हमारा होता था टीचर, एक टीचर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ये कोऑर्डिनेशन करना कि वो टाइम टेबल बनाता, उसने इतना फ्ड टाइम टेबल बनाया मैथ्स के तीन पीरियड लाइन से, एक लंच से पहले दो लंच के बाद, कोई खाने की एक्साइटमेंट नहीं होती थी क्योंकि आके फिर मैथ्स पढ़नी है, उस पीरियड एक दिन होता था ये शायद हफ्ते में दो दिन, उस दिन वो दिन था कि हम पहले ही निशा मैम को झेले जा रहे हैं, अभी लंच से पहले झेला, फिर फिफ्थ पीरियड में भी शायद निशा मैम भी पक जाती होंगी यार कि तीन पीरियड यही शक्लें देंगी, यही चैप्टर कंटिन्यू हो रहा है तो पढ़ाई जा रही है पीछे ही चल रहा है, पूरा चलते चलते ये निशा मैम तक पहुँच गया, क्या कह रहे हो। अब वो तीन बच्चे बुलाए गए, कुछ पता नहीं उनकी वो क्या था उनका रिलेशनशिप का हिसाब किताब कि इस लड़की ने फैलाया था कि इस लड़के ने इस लड़की को बोल दिया जबकि इस लड़की को ये पसंद है, बहुत एकदम कसौटी जिंदगी की मामला था भाई, मुझे नहीं पता क्या था, आई लव यू उसमें लेकिन बोला गया था, तो वो मैम को पता चला। अब मैम ने पूरा पीरियड बताया, हम पांचवी में कोई आइडिया नहीं, मुझे सबसे बड़ा चाहिए क्या, शाम को जब शाका लाका बूम बूम आ रहा हो तो लाइट आ रही हो, सबसे बड़ा कंसर्न मेरा मैम क्या करिए, पता है तीन शब्दों का मतलब, पता ही कितने सीरियस शब्द होते हैं, बहुत छोटे हो अभी इनके लिए, और वो वहां पे चली गई शब्दों के मतलब, और लड़का जिसपे इल्जाम लग रहा है मैम आई लाइक यू बोला था वो अपने डिफेंस में मैक्स ये कह पा रहा है कि लव थोड़ा शायद गंदा वर्ड होता है या सीरियस होता है, वो कह रहा है मैम लव यू बोला ही नहीं है, मैम आई लाइक यू बोला है, मैक्स अपने डिफेंस में ये है, और मैम बोल कोई आइडिया नहीं है अभी तुम बहुत छोटे हो इन शब्दों के, मतलब मैंने उनको देखा तो आंख नाक सब फड़क रही थी पूरी तरह से, वो इंटेंस इतनी हो गई ना कि जानते नहीं उन शब्दों का क्या होता है, और उसका वही
मैम लाइक यू बोला था, लव यू नहीं था। और दोनों लड़कियां ऐसे, लड़कियों में मैंने वो भाव देखा कि मुझे बोला था, मुझे बोला था, वो उसमें चल रही है और हम कह रहे हैं ये सही है, चलो भाई पढ़ना तो नहीं पड़ रहा, हम भी इसमें कि हाँ और 10 मिनट खींच लो ये करो यार मैम ने। बट जो सीरियसनेस मैंने वो मैम के अंदर देखी वो मुझे आज तक याद है कि इन 3 शब्दों पर उतनी गंभीरता से किसी ने लेक्चर नहीं दिया कभी, जैसे मैम एकदम ही हो गई थी कि वो मैम मुझे याद रह गई कि यार ये क्या क्या मैम थी। वो एक सर थे, तो वो सर भाई अब उन्हें ऑलराउंडर बोल लो या फिर ऐसा बोल लो कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, इस तरीके के वो थे वो, लेकिन अपने दिमाग में समझते थे मास्टर ऑफ ऑल जैक ऑफ नन, जबकि वो टेक्निकली स्टेप नहीं थे कि जिस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है जिस क्लास का वो बंदे ने प्रॉक्सी लगानी है नहीं, पूरा साल ही वो ही पढ़ाता है। थर्ड क्लास में मुझे याद है उन्होंने SST पढ़ाई सेम टाइम पे, थर्ड बी को हिंदी पढ़ा रहे और मैं फोर्थ में आया तो कोई और सब्जेक्ट, होते होते चलो छोटी क्लास में समझ आ, 11th में मेरे बिजनेस के टीचर बन गया यार वो बिजनेस स्टडीज, वो तो एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, मतलब कोई BBA करने जाएगा उसकी तो वहाँ रूट वहाँ पे ले हो रही है फाउंडेशन, अब वो उसके टीचर। तो मैंने फिर उनके बारे में ऐसे कहानी फैलाई कि ये तो पहली ईंट सर नहीं रखी है स्कूल की, वो सच में बहुत पुराने थे भाई, एंशियंट थे। और हमारा स्कूल ऐसा था कि जब मैं अपने स्कूल में आया था हमारा स्कूल 7th क्लास तक था और वो धीरे धीरे बढ़ा हाँ, जैसे क्लास तो 2 साल पहले शुरू हुआ था 5th तक था, तो दो बच्चे अलग चौड़ में रहते थे वो ऐसे कि एडम ईव टॉमी है इस स्कूल के, हम आए थे भाई तो वो भी कहते थे हाँ तब भी थे सर तब भी पढ़ाते थे, तो तब शायद 1st क्लास में उनके क्लास टीचर थे या कुछ थे, और सर भी वो अधिकार समझते थे तुम्हें फर्स्ट से देखता आ रहा हूँ तब तो ऐसे नहीं थे, वो भी गिल्ट वाली देते थे बच्चे को कि तुम पहले तो ऐसी नहीं थी अब तो बहुत बदतमीज हो गई हूँ क्योंकि, और बच्चा बोल भी नहीं सकता कि हाँ यार सर तो 1st क्लास से मुझे देखते आ रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ाते थे। अब 11th में आके मेरा होगा कि यार बिजनेस तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ पढ़ा रहे हैं, पढ़ी 12th में क्लास टीचर भी बन गए हमारे, 12th क्लास के क्लास टीचर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं और उनका ड्रेसिंग सेंस इतना फनी, वो जैसे डागा वागा जैसी शर्ट नहीं पहनते थे जिनके कॉलर यहाँ तक आते थे भाई, वो अलग दिखता था कि सिलवाई है इन्होंने इनका स्टाइल है व्हाटएवर, तो वो शर्ट यहाँ तक कि वो पहन के आते थे और ऐसे उनमें यहाँ जेबें होंगी कुछ, मतलब उनकी पर्सनलाइज स्टाइलिश शर्ट्स वो पहन के आते थे और गंजे थे, तो उनकी चांद देख के एक बार ऐसे बच्चे ऑब्जर्वेशन कर रहे थे भाई भटूरे जैसी नहीं लगती एकदम कि ऐसा कलर मैच होता है कुछ, नाम पड़ गया भटूरा, भटूरा इतना लंबा कौन बोले तो शॉर्ट हो गया भट्टू हो गया, पूरे स्कूल में अब ये नाम फैल गया कि भाई भट्टू है, और भट्टू क्या है हमारी क्लास का क्लास टीचर, बिजनेस स्टडीज पढ़ाने और हाउस कोऑर्डिनेटर कि ये हाउस की सॉरी है, और भट्टू का हमेशा ऐसा रहता था कि मेरी उंगली पे टिका हुआ ये स्कूल मैंने संभाल रखा है, तो बहुत आगे बच्चों को ये दिखाना कि और क्या क्या करूँ मैं कितनी मेहनत करूँ ये। अब उनके इतने फनी फनी इंसिडेंट मुझे याद है कि हमारे क्लास टीचर ठीक है भाई सारी क्लास मस्ती करती है, 12th में लग गए कैमराज हमारी क्लास में, तो एक दिन आया ऐसे फुल हड़बड़ी में क्या करते हो यार, प्रिंसिपल रूम में था, प्रिंसिपल सर ने आउट ऑफ नोवेयर मॉनिटर स्क्रीन मेरी तरफ मोड़ दी कैमरा स्क्रीन, नवनीत विच क्लासेस, आई एम सॉरी मैंने उनका नाम ले दिया ठीक है हो गया, विच क्लास इज दिस, देखो कितना रकस मचा हुआ है इस क्लास में, शर्म से मेरी आंखें झुक गई, मैं एडमिट नहीं कर पाया सर दिस इज माई क्लास, तो मेरा अब तक हो चुका था कि भाई पंगे लेने, मैंने कहा सर क्या हो रहा था ऐसा क्या देख लिया आपने स्क्रीन पे ऐसा क्या चल रहा था कि शर्म से आपकी आंखें झुक गई, तो कह रहे क्या हो रहा था क्या बताऊँ क्या क्या हो रहा था, मैंने कहा बताओ ना क्या हो रहा था, हम तो सर पढ़ ही रहे थे सब, क्योंकि मैं मॉनिटर था तो मेरा भी था कि यार इतना भी कुछ नहीं किया है कि आपकी शर्म से आंखें झुक गई, मैक्स बातें कर रहे होंगे बच्चे, मैं सर क्या हो रहा था, तो कह रहे क्या नहीं हो रहा था मैंने कहा बताओ ना सर मैक्स बातें कर रहे थे फ्री पीरियड था तो इतना तो चलता ही है, एक सीट से यहाँ उछल कूद हो रही है, ये गलती उनसे होगी, उन्होंने बच्ची का नाम दे दिया कि रूबी, रूबी क्या कर रही थी, तो मैंने बोला क्या कर रही थी, वो तो एब्सेंट है यहाँ पे उनका हो गया कि शिट ये तो मेरी, और कुछ नहीं हुआ होगा ऐसे आई एम श्योर, वो ऐसे आगे कहानियां सुनाना कि मैंने संभाल लिया सर तो आज तुम सबको रेस्टिगेट करने वाले थे मैंने बचा लिया, मैंने कहा सर कुछ नहीं हो रहा था ऐसा, गैस लाइट कर रहे थे सर, मैं सब सही चल रहा था क्लास सही चल रही थी आप टेंशन, और मैंने कहा सर इतनी सी स्क्रीन है प्रिंसिपल सर की उसमें भी 8 क्लास की विंडो चलती है एक साथ, हमारी क्लास इतनी सी दिख रही होगी आपको कहाँ दिख गई रूबी, ओके गेट बैक टू वर्क, मैं इतना आर्ग्यू भाई उनसे करने लग गया था कि बहुत ज्यादा करते हैं। एक दिन ऐसी सुबह सुबह गया कि हम लेट हो गए, मैं और मेरा दोस्त साइकिल पे आते थे और मैं जब उसके घर जाता तब वो उठता था फिर रेडी होना हो तो 15 मिनट हम लेट जाते थे, एक दिन हमें रोक लिया PTI ने बाहर ही कि नहीं आज तुम रोज ही लेट आ रहे हो क्लास में नहीं जाओ, तो हम खुश पहला पीरियड बिजनेस का हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, वैसे भी वो सारा सब लाइब्रेरी की बुक से ला के पढ़ाता है, उसकी अलग कहानी है वो भी सुनाऊंगा मैंने कैसे एक्सपोज किया वहाँ, तो मैंने ऐसा लोकपाल जैसा फील किया एकदम विसल ब्लोअर,
तो मैंने कहा कि आज हम बाहर खड़े हैं, आज हम तो नहीं जाएंगे अंदर क्लास में। तो हमने बोला कि बस सॉरी नहीं बोल रहे हम, कि सर ने बोला हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, छाँव भी थी तो हम खड़े हो गए, क्यों है अंदर पढ़ने से तो अच्छा ही है, हमारी क्लास भी पीछे थी। तो वो वहाँ से क्या कह रहा है, एक्सक्यूज मी सुनील सर प्लीज़ इनको भेज दीजिए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मिस हो जाएगा। हम कह रहे नहीं हमें मिस करना है सर, हमें नहीं जाना। और वो भी कह रहा है चलो कल से टाइम पे आना, हम चले गए। और भाई पूरे पीरियड आज तो बचा लिया है। मैं क्यों बचा लिया भाई, हमें नहीं बचा था, आइंदा नहीं बचाऊंगा। पता है मुझे अब उनके साथ जाके स्टाफ रूम में कैसे बात करनी पड़ेगी, तुम्हें प्लीज, तुम्हारे लिए मैं कितने लोगों को प्लीज करता हूँ, मैं पता नहीं जैसे क्या ही कर रहा हूँ हमारे लिए। इतनी गिल्ट दी। और पता है पढ़ाने का मेथड क्या था भाई, बात तो देखो घूम फिर के वही आ जाती है, सेम ही है। क्या कह देंगे अब अगर हमें पार्टनरशिप को डिफाइन करना है तो वही 4-6 words हैं, उन्हीं में डिफाइन कर सकते हैं। पर कितनी बुक होंगी लाइब्रेरी में, चलो तुम इससे पढ़ लो, तुम मत लिखो, उसे लगा कि पहले इसे शांत करो, इसे ये छूट दूंगी, इसे नहीं लिखना है, तो ये शायद इसी पे मान जाए, बाकी बच्चे लिखो। फिर वो अपना वो लिखाता रहा, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए, मैंने मैं संदीप जैन ले लूंगा। हमारे स्कूल में लाइब्रेरी तो थी नहीं, हाँ तो टीचर थे लाइब्रेरी वो बाद में पता लगा मुझे कि ये तो लाइब्रेरी के टीचर है। जब ऐसा हुआ कि दो टीचरों में कोल्ड वॉर हो गई, अरे लाइब्रेरी का है वो, हमें बाद में पता लगा। मैं छठी से लाइब्रेरी में एक्चुअली टीचर नहीं होता, लाइब्रेरियन होता है। हाँ, तो ऐसे में छठी से 3-4 साल तक उनसे पिटा, क्योंकि वो पढ़ाते थे, वो कभी हिंदी पढ़ाने लग जाते थे, कभी SST पढ़ाने लग जाते थे, फिलर। हाँ फिलर, बीरबल नाम था उनका, और बीरबल यार एक तो मैं तरसता हूँ ऐसे नामों से मिलने के, बीरबल यार वो यूनिक नेम। हाँ ये था, और उनका, और वो क्या करते थे, अगर कुछ गलती करिए तो डंडा मोटा पिछवाड़े पे मारते थे, और रीजन भी देते थे, कहते थे अगर मैंने चाटा मारा तो तू घर पे गाल दिखा देगा, देखो लाल क्यों हो रहा है, क्योंकि सर ने मारा है, पैंट खोल के थोड़ी दिखाएगा कितना हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। हाँ, और भाई वो बीरबल भाई दिमाग तो वही लगाते थे, हाँ बीरबल वाला दिमाग था उनका, चल घूम जा, मुर्गा बनाया, दो डंडे मारे, चल जाओ बैठ जाओ। हाँ, और उसमें भी लौंडे फिर वो दिमाग लगाने लगे कि यार कुछ सामान बनने लग गया, लेकिन सर बीरबल तो बीरबल बीरबल से तेज हो गए, वो पहले हाथ मार के चेक कर लेता था, पैडेड तो नहीं है। साइंस पढ़ाते थे वो, पढ़ाते कहते वो कुछ नहीं पढ़ाते थे, वो बाद में पता लगा कि शायद पान पराग पान मसाला टाइप चीजें खाते हैं, उसमें लगता है सर का मुंह में थोड़ी कुछ परेशानी है, चलो ऐसे चलता रहता था उनका मुँह, बोलते थे नहीं वो, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि इसलिए नहीं बोलते, इंट्रोवर्ट टीचर ये तो कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनकी अच्छी बात ये थी कि जैसे एग्जाम आने वाले होते थे तब स्कूल में सेट होता था पेपर, पेपर आउट, वो ऐसे लिखते थे और मिटाते, और तुरंत मिटा देते थे, तो ऐसा तुरंत आपको स्पीड बनानी है, और बहुत गंदी हैंड राइटिंग थी, तो ये भी नहीं था कि आप पूरा पेपर पे लिख जाते, टेस्ट यही होता था कि हैंड राइटिंग पढ़ पाओगे, मतलब पूरा पेपर मिलने के बाद भी 10x10 नहीं ला सकते आप, क्योंकि आपको पूरा पेपर उतार नहीं पाया, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। तो उनका सबसे अच्छी बात ये थी, तो अगर वो टीचर हमें मिल जाते थे तो हमें बहुत खुशी होती थी। ओ यस सर, नाम पता नहीं, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, दिस टीचर एक्चुअली डिजर्व्स शाउट आउट। हाँ, मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, चलो जो भी था, लेकिन एक बार क्या किया उन्होंने, वो कभी ऐसा नहीं करते थे, बच्चे को पीट दिया ऐसे वाला हरकत। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, मसाला अच्छा नहीं होगा भाई, बैड मूड या बैड मूड था, एक लड़के को पीट दिया, और वो भी गलत लड़के को पीट दिया, जो क्लास का गुंडा टाइप था, जो हरामी था थोड़ा सा, गुनिया। हाँ, गुनिया नहीं था, उसका नाम था प्रवीण कश्यप। इट साउंड्स लाइक अ गुंडा नेम। हाँ, और प्रवीण कश्यप ऐसा था कि वो फेल होके आया था, और प्रवीण कश्यप की शक्ल ऐसी थी कि यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि चोट का निशान कटा हुआ है, यहाँ पे एक बैक वैक हो गया। प्रवीण कश्यप नहीं लगते ना कि हेड ऑफ सेल्स होंगे कहीं। हाँ, तो प्रवीण कश्यप पे लगता है कि पोस्टर लगा इनका थाने में। उसको मारा और क्लास से बाहर निकाल दिया, वो तो चला गया, उसके लिए तो बैक बुला दे, बंदे कॉल, अब सर बैठे। अब 2-3 लोगों ने क्या किया, सर माइकल का भाई था वो, सर ऐसे हो तो कौन माइकल, सर थोड़ा गुंडा टाइप लड़का है। तो क्या हो गया, कुछ नहीं सर, कहाँ है वो, बुला के लाओ उसे, एक गया बाहर थोड़ा घूम फिर के, सर वो तो है ही नहीं, चला गया। वो अपना किसी क्लास के बाहर खड़ा हो गया, बातें जिनके टीचर जिनका फिगर नहीं चल रहा था, मैं बातें बना के, सर वो तो नहीं है, चला गया, सर वो आप थोड़ा ध्यान से ना, ठीक है सर के मन में अब डर बैठने लगा धीरे धीरे, तो सर का ऐसा हो गया कि अब उनके जो शायद उनको मसाले में बिल्कुल ही मजा आना बंद हो गया, अब ऐसा हो गया प्रवीण कश्यप पीरियड खत्म हुआ, सर चले गए, वो आया छोले भटूरे लेके, पन्नी में छोले भटूरे लाया, क्लास में खा रहा बैठ के, और खा पी लिया, और फिर सर दोबारा आए, कह रहे प्रवीण अब हारा कैसे, कह रहे अरे हो जाता है यार कोई बात नहीं, क्यों करता है तू ऐसी हरकत, चल कोई बात नहीं है,
अच्छे नंबर दूंगा तुझे, अच्छे नंबर दूंगा, हाँ सर ठीक है। उसके लिए तो नॉर्मल था, उसे छोले भटूरे लेने जाना था, उसे समझ ना आया कि क्या हो रहा। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है सर। लेकिन एक बार प्रवीण कश्यप को बहुत मारा था हमारे सर, टेंथ के टीचर थे वो, और वो नए नए आए थे मैथ के टीचर, नाम था डीएसपी आजाद। आजाद सर भी थे हमारे स्कूल में और बहुत मारते थे। इतना सारे टीचर मारते थे आपके स्कूल में? हाँ, बच्चे ऐसे कंट्रोल होते थे यार, बच्चे इतने हरामी थे ना, अगर दुनिया पैंट की जिप खोल के घूम रहा है हाँ, तो हथियार के अलावा इलाज क्या है उसका? क्या टेंथ में पिटा प्रवीण, जो हमारे नए सर आए थे वो मैथ के, और बड़ा अच्छा लुक था सर का, सारे सफेद बाल थे उनके, यंग थे वो, ऐसा होता ना कि उनका लेकिन उनके सारे सफेद थे, आंखें उनकी नीली थी, क्या पर्सनालिटी लगती थी उनकी, राजेश हड़ा क्रश। हाँ मुझे अब समझ में आता है, क्रश तो था, टीचर क्रशेस। हाँ और भाई उससे पहले सब हंसी मजाक में रहते थे सर, हम उनको लालू बुलाते थे, तो उनको पता भी था क्या क्या बुलाते हैं, मुझे लालू बुलाते, कोई बात नहीं। एक दिन पता नहीं क्या हो भाई, प्रवीण कश्यप ने क्या हरकत करी, सर ने उसे मारना शुरू किया, दो चांटे लगाए, वो आगे भागा, सर पीछे भागे, दो चाटे और लगे, वो और भागे। अब क्लास में ऐसे ऐसे बीच की एक लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, अब प्रवीण कश्यप ऐसे भाग रहा है, सर उसके पीछे भाग रहे, पूरी क्लास में भगा भगा के मारा उसको। और प्रवीण कश्यप रोते रोते बताऊंगा इसको बाहर। सर कह रहे चल भाग यहां से। तब लगा के भाई लालू सर तो बदमाश है, बताओ ये तो है दबंग। लेकिन वो अच्छे सर थे, और उस वजह से भाई मैं तो बहुत खराब था, मेरे 75 आ गए थे, डर बैठ गया कि मैं, उन्होंने अच्छा पढ़ाया, नहीं उन्होंने अच्छा पढ़ाया, अच्छा हो। हाँ और उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिस्टिंक्शन लाएगा उसे घुमाए ले जाऊंगा, सर वो ड्यू है आज तक आपने किया नहीं है। oh पुरोहित सर था नाम उनका, मुझे आगे एनपी पुरोहित। तो अगर सर आप देख रहे हो या आपके बच्चे अच्छे देख रहे हैं, अपने पापा से बोलना ट्रिप ड्यू है। मेरे तो स्कूल में ऐसे होता था कि जब एक उम्र आती है ना, जब थोड़ा बहुत ऐसे क्रशेस बनने लग जाते हैं, रिलेशनशिप्स में बच्चे अच्छे आने लग जाते हैं, तो हमारे स्कूल के खलीफे होते थे स्पोर्ट्स के सारे टीचर। ठीक है, वो स्पोर्ट्स के मतलब चाहे वो पीटी टीचर हो, खलीफे मतलब ऐसे एक चौड़ में होते थे, उनकी टॉर होती थी कि हाँ कहीं पे वो गुंडागर्दी वाला वो, बट सोफिस्टिकेटेड कि चलो ठीक है, टीचर्स सारे मेल टीचर्स, ठीक है, जो टेनिस से खाते थे या वो, बट वो सारे उनका ग्रुप होता था, वो गैंग अप करते थे और वो बातें सिर्फ इंग्लिश टीचरों के ग्रुप से करते थे। एमिटी स्कूल, 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 आज पता लगा स्कूल भी होता है। हाँ, स्कूल अच्छा होता है। तो वहाँ पे मेरे स्कूल में ऐसी गैंग होती थी सारे मेल पीटी टीचर्स की और स्पोर्ट्स टीचर्स की, तो उनको पता लग गया, उनको हमारी प्रिंसिपल, और हमारी प्रिंसिपल बहुत होती थी ऐसे खुर्राट टाइप की लेडी होती थी, कि उसको हमेशा जा जा के बस लोगों की वो करनी अच्छी लगती थी कि इसको सुना देंगी, उसको सुना देंगी, गिल्ट ट्रिप दे देंगी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। तो उनको पता लग गया कि टेंथ के ये सारे जितने तीन सेक्शंस थे, तीनों के तीनों सेक्शंस में कुछ कुछ तो चल रहा है। भाई एक लिस्ट निकाली बच्चों की, जिन जिन पे शक था, जिन जिन पे शक था, जिन जिन के रूमर्स घूमते थे, उन लोगों को बुलाया बीच में किसी पीरियड में, और एक ठीक है, और ग्राउंड के पास ना एक रूम होता था, यूटिलिटी रूम, और वो बड़ा सा रूम होता था, वहां पे सारी चीजें होती थी कि वहां पे टेनिस बैट रैकेट वगैरह, टीटी टेबल, सारी चीजें होती थी वहां पे। लोगों को सब पे ऐसे लाइन में बिठा दिया, और फिर जैसे रोडीज में, हाँ, और रोडीज में जैसे वो रघुराम राजीव वैसे वो नहीं करते कि थ्रेटन और इंटिमिडेट करते कि तू बनेगा रोडी, वहां पे उससे और एग्जैक्टली वैसा कर करके सारे बच्चों को इंटिमिडेट कर करके, और उनसे पूछ के लड़कों को एक दो चांटे लगा दिए, लड़कियों को बोल दिया कि नहीं अभी तुम्हारी मम्मी को कॉल कर दो, मतलब शर्मिंदा कर दिया, कि जब तक दो चार लड़के रो नहीं गए कि हाँ हाँ हमने किया था कुछ, हमने बात करी थी इससे, तब तक उन लोगों ने चैन नहीं लिया। एमिटी में भी यही हो रहा था, हमारा तो पनिशमेंट थी, बात करता क्या था, लड़की के साथ बैठ जा, बट यहाँ ये पीटी टीचर से मुझे याद आया कि हमारे में भी पीटी टीचर तो मतलब मोस्टली पैन इंडिया में कह सकता हूँ स्कूल में वो होते हैं कि जिस जो स्पोर्ट स्कूल में नहीं है पीटी सर उसके नेशनल खेले हो। कि हमारे स्कूल में बास्केटबॉल कोर्ट था, वॉलीबॉल कोर्ट था, फुटबॉल ग्राउंड था, सर आए हैंडबॉल का नेशनल खेला हुआ है। हमने कहा हैंडबॉल ही खेला हुआ है, फिर अगर आपने इसका नेशनल खेला हुआ है, एक आए मैं खो खो का नेशनल, वही खिलाओ सर जिसके आपने नेशनल खेला। तो ऐसे तीन चार, एक टाइम पे तीन चार थे, और एक सर आए एकदम अपने गाँव से देसी, मतलब स्कूल के आगे जो पहला गाँव था वहीं से आते थे, और वो उन बहुत फ्रेंडली थे बच्चों के साथ, मतलब कि बच्चे ऐसे आ गए कि जिसका पीरियड भी नहीं है, ऐसा खेलने दो ना क्या बोल, चल खेल ले, तो दूसरी क्लास के बच्चों में मिक्स करके खेलने दिया, वेरी फ्रेंडली। और उसी सेम टाइम पे हम बड़े हो रहे थे, मतलब हम ट्वेल्थ में आ रहे थे, तो ट्वेल्थ में आके तो फिर सर से वैसा वाला होता है ना कि सर फोन दिखाना जरा अपना, उस लेवल तक बच्चे पहुँचने लगते हैं ट्वेल्थ में, मतलब सर को भी पता है कि अगले साल निकल जाएगा, और पीटीआई तो थोड़े ओवर फ्रेंडली रहते हैं, तो बहुत फ्रेंडली थे बच्चे, ठीक है। और एक मैम थी जो उसी साल आई थी, पता नहीं कौन सी क्लास को पढ़ाती थी, क्या करती थी,
किसी को आइडिया नहीं था, बट वो मैम टॉप ऑफ द टाउन थी कि मतलब जैसे वो ड्रेसअप होके आती थी कि सारी और भी टीचर पहनती थी लेकिन जैसे वो मैम पहनती थी, मुझे उनका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, मुझे सारी से वो याद है कि हाँ यार वो एक मैम है, वो थी। तो बच्चे खुश होते थे कि उनके हाउस में जाने को मिल गया। उनका कभी मतलब बच्चों ने व्रत रख लिया होंगे कि एक फ्री पीरियड में वो मैम आ जाए, कभी नहीं आती थी कोई, सिर्फ था कि मतलब थी लेकिन सबने देखी भी है। एनिग्मा तो ये सर से ना बच्चे अब इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि मैम कहाँ रहती है, ऐसे इस लेवल की बातें करने लगे। सर यार बाप गंदी नजर मत डाल यार, वो भाभी में लगे हमारी कुछ इनके रिलेटिव रिलेटिव नहीं। सर ने भी बहुत ऐसा तुम्हें बस डाटा वाटा नहीं, ऑनेस्टली बहुत ऐसा उनके साथ ही ऑन करो। और दूसरे एक पीटी सर थे हमारे, वो उनके एक बार एग्जाम में ड्यूटी लगी, तो वैसे मैं कुछ ऐसा साइड में देख रहा था तो और मुझे फील हुआ कि कोई है इधर, तो मुझे लगा मैं पकड़ा गया। मैंने मुड़ के देखा तो पीटी सर आदमी मसाला डाल उनको भी ये गिल्ट कि मैं पकड़ा गया। तो फिर आंखों आंखों में वो हुआ कि आप जो कर रहे हो आप कर लो, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। तो उन्होंने भी ये भरा, मैंने भी उधर से लिखा। वो पूरे दिन हमारे वो एक कोई टेंशन ऐसी रही कि तू भी चुप क्या देखा, और मैंने कहा मैं भी चुप मुझे करने दो मैं क्या कर रहा हूँ, आंखों आंखों में सेट लो। तो पीटी सर थे, मुझे एक ही लगता है कि इवन इक्वेशन एक काफी रहती थी, फ्रेंडली हो जाते थे। और जब थोड़ा सा क्लास में बड़े हो जाते थे तो टीचर से एक हो जाता है कि आप क्लास में आके हो जाता है। मैं जब 11th 12th में पहुंचा था तो ताऊ कहते थे हम सर जी को, और सर को भी पता था कि ताऊ कहते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कुछ नहीं होता ऐसे क्लास में बोलते थे कि ताऊ टीचर से मिलके प्रिंसिपल की बिचिंग कर ली। हाँ, ये होता था, ये होता था, किसी और टीचर की कर ली। और दो ताऊ थे हमारे स्कूल में, तो बड़े ताऊ छोटे ताऊ, एक ताऊ तो थे जो हम 11th में आए थे तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, एक ताऊ थे और ताऊ ऐसे थे कि उनकी आवाज ऐसे इस तरीके की कुछ आवाज थी उनकी, बहुत पतली आवाज थी और बहुत तीखी आवाज थी, और उनका ऐसा लगता था कि उनको ऐसा फील आता होगा, मुझे लगता है उनको किक मिलता होगा उस चीज में कि अगर वो एग्जाम में चेकिंग ढूंढने निकले और कुछ मिल गया तो उन्हें ढूंढना ही ढूंढना है, इसमें उन्हें फील आता होगा। तो ऐसे आप काम कर रहे हो, आप खिड़की के पास बैठो, आपकी नजर ऐसे खिड़की पे, आप डर गए। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैं डर गया, वो ऐसे देख रहे थे और वहीं से देख लिया, वहीं रुक जा वहीं रुक जा वहीं से आ रहा हूँ, और वो पूरा ऐसे पूरा पीछे से घूम के सामने आते थे क्लास में, मेहनती थे, हल्ला करते थे पूरा। आए आप लिख रहे हो, आपका पेपर शीट उठा दिया ऐसे हवा में, अब आपके मेरे साथ क्या हो गया, जिसके पास है निकाल दे बाहर निकाल दे चुपचाप, और एक बच्चा जिसकी शीट उड़ गई वो बेचारा बटो रहा कहाँ गया पास कराई यार। और उनका ऐसा था, और एक और टीचर थे कैरेक्टर थे पूरे, और एक और था उनका नाम था आस कुमार, मुझे नहीं पता आस बोला जाता था ये एस कुमार उनका नाम था, लेकिन उनको आस कुमार बोला जाता था, आस कुमार, आस कुमार। हाँ, उनको लगता था कि सब उनकी बात मानते हैं, अगर वो यहाँ खड़े और मैदान के दूसरे कोने में लड़का तो यही चला था, ओए मुर्गा बन जा मुर्गा बन जा, नहीं बनता था बच्चे भाग जाते थे, लेकिन हमेशा उनके वही मुर्गा बन जा, आस लगाए बैठे थे वो, आस लगा के बैठे आस होंगे, लेकिन उनका यही था हमेशा वो आस लगा के बैठे, लेकिन अगर वो पकड़ लेते थे तो मुर्गा बना ही देते थे फिर मारते मारते। और ये एक्सेप्ट करा हुआ था हमने कि अगर हम इनसाइड से पकड़े जाएंगे तो हम पिटेंगे, या हम थोड़ी बातें बना लेंगे हंसी मजाक करके निकल जाएंगे। और क्लास टीचर वगैरह से तो फिर ये रिश्ता होता है कि सर चाय पियोगे ले आऊं, और सर का बोतल लिया 15 रुपए ले दिया था, और इस बहाने होता था कि थोड़ा आउटिंग हो गई क्लास बाहर जा रहे हैं चौड़ में गार्ड से, सर ने चाय मंगाई, जॉरी सर ने चाय मंगाई बाहर चले गए, सर ऐसे काम कराते थे मुझे हमसे कि पन्नी में एक दिन लाए ओए इसको ना टांके लगा जूता दे दिया इसमें टांके लगा स्कूल के बीच में, स्कूल के बीच में ये वो स्कूल है ना मतलब, मतलब उसके देखो रिश्ता कितना अच्छा था। समय आ चुका है अब लेटर्स पढ़ने का, और बहुत अच्छा बहाना ढूंढा है शादी का, नहीं लेटर्स ना पढ़ने का, मुझे हिंदी में रीड नहीं कर सकती, नहीं मैं रीड कर सकती बट मैं ऐसे बहुत तेज तेज नहीं पढ़ सकती। ठीक है मैं पढ़ देता हूँ, पहला हम पत्र पढ़ने जा रहे हैं जो कि है सारंग देव का, टाइटल है फनी स्टोरी ऑफ ट्यूशन, काफी फनी स्टोरी हुई है इस एपिसोड में ट्यूशन की। दिस इज सारंग देव फ्रॉम औरंगाबाद, आई एम 22 इयर्स ओल्ड, फैंस ऑफ मेंस एक्सपी शोज, थैंक यू भाई। ये स्टोरी है 2012 की, मैं 6th क्लास में था, सिंगल चाइल्ड हूँ इसलिए घर वालों को बहुत लाड़ला था, कॉलोनी में नया नया फैशन आया था गियर की साइकिल का, तब मैंने भी घर पे जिद करके गियर की साइकिल ले ली, हीरो रेंजर नाम की उस साइकिल को ब्लैक टायर का मडगार्ड नहीं, को बैक टायर का मडगार्ड नहीं था। हाँ ये साइकिल की साइकिल आवारा कैसे लगेगी, मडगार्ड ये पहला साइन है साइकिल के आवारा दिखने का। ठीक है, बारिश का मौसम था, मैं वाइट यूनिफॉर्म पहन के सुबह सुबह साइकिल पे स्कूल जाने निकला, जब स्कूल पहुंचा तो सब लोग मुझे देख के हंस रहे थे, जब लड़कियां भी हंसने लग गईं तब बात बड़ी हो गई,
लाइक हाउ जब एक बच्चे से पूछा, अच्छा इन्होंने बीच बीच में इमोजी भी यूज की, जब इन्होंने लिखा है ना मैं बहुत लाडला था तो काले चश्मे वाली इमोजी लगा दिया गया ठीक है। जब लड़कियां भी हंसने लगी तो बात बड़ी हो गई, जब एक बच्चे से पूछा तो समझ आया कि मेरे शर्ट की बैक साइड मड से पूरी भर गई थी, आगे से फुल वाइट और पीछे से नायक का कीचड़ से भरा हुआ अनिल कपूर हो गया था। इस पे लाफिंग इमोजी। जिस दिन न्यू साइकिल के लिए वाहवाही होनी चाहिए थी उस दिन पूरे स्कूल में हंस हंस के इज्जत की ऐसी तैसी कर दी गई, घर जाके मम्मी से स्पेशल मार भी पड़ी। थैंक्स फॉर चूजिंग माय स्टोरी। अच्छा थैंक्स भी बोल दिया कि अगर आपने पिक कर लिया। शुभम और राजेश की जोड़ी धमाल है, बड़े भैया जैन को प्रणाम। सौम्य जी इज ऑल्सो अ स्वीट अपीयरेंस ऑलवेज, थैंक यू। सादिया की तारीफ कौन करेगा है भाई, ठीक है। बट हाँ इन्होंने मतलब ये एक बेइज्जती वाली चीज लिखी है कि इस तरह की चीजें हो जाना, पैंट फट गई, कुछ शर्ट बगल से फट गई, लड़कों के साथ तो काफी होता था, स्प्लिट कर रहे और फिर चिर जाती थी उनकी वो बीच से। आप लोगों को परेशानी लगती है, हमें नहीं लगता था ऐसा। इट्स अ यूजुअल ड्रेस कोड, हां कि फट गई तो फट गई, बस ये कि और ना फट जाए, यहां से ज्यादा फट, अबे और ना फट जाए। अरे सारी शर्म दूसरे जेंडर की होती है, वो जेंडर ही नहीं। अब जिस क्लास में गुनिया जिप खोल के ही घूम रहा है वहाँ किस बात की शर्म, वहाँ किस बात की शर्म, शर्म यहाँ आ जाती है जहाँ सब ढकना चाहते हैं। जेब फट गई फट गई, और ये कोई ऐसी होती है फट जाती थी, कुछ जो स्कूल की कुछ आवाजें मैं कभी निकालनी नहीं सीख पाया। ये हो गई, एक पत्ता यहाँ रखे, वो तो मैं कर लेता था, पत्ता फोड़ लेता था, मेरा कभी नहीं फूटा वो, मैं चटाक ये हमने भी सीखा था, ऐसे करके हिट करना, आवाज निकालना भी, सीटी मारना ऐसे वाली कभी नहीं आई, ये मुझे भी ऐसे वाली, हाँ, ऐसी वाली, ऐसी वाली सिंगल अक्षय कुमार। अरे भाई हमारे पीछे बीटीएस बैठे हुए हैं सुरजीत भाई, एक बार सीटी बजा दो, सुरजीत बजा दो, वो सालिया बंगाल के मशहूर आवारा सुरजीत दा कोमल सिटी। अगर आपको लग रहा है कि ये एपिसोड ऐसे एब्रप्टली क्यों कट हो रहा है, तो पहले तो देखिए ये पेबल की घड़ी आप खरीद सकते हैं, ठीक है, ये टीचर्स को दे सकते हैं, अपने दोस्तों को दे सकते हैं, किसी को भी आप ये गिफ्ट कर सकते हैं। और दूसरी जरूरी सूचना ये कि इतनी लंबी बातचीत हुई है ना इस टॉपिक पे कि हम यहीं नहीं रुक रहे हैं, एपिसोड 2 भी रिलीज हुआ है इसका, साथ में आप वो भी देखें, बहुत अनगिनत बातचीत है। दोनों एपिसोड को देखें, दोनों वीडियोस को लाइक करें, सारी शिकायतें आपकी कि छोटा मत बनाओ, लंबी लंबी बातें करो, तो भर भर के बातें हुई है, भर भर के फनी इंसिडेंट्स, और अभी तो बहुत बातें रह गई हैं, बहुत बातें रह गई हैं, कभी बाल दिवस पे शुरू कर देंगे फिर से ले आएंगे। तो इस लंबी बातचीत का एपिसोड 2 भी देखें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से ज्यादा शेयर करें, इस ईमेल आईडी पे हमें लेटर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें सोशल मीडिया पे, तो शेयर कर दो, हाँ बिल्कुल कर दिया करो, स्टोरी वगैरह लगाया करो, आपके फॉलोअर्स कम है ज्यादा है, हाँ स्टोरी लगाओ यार, पता तो चले लोगों को यार कि ये कुछ गजब चीज, तुम क्या देखते हो, इनका टेस्ट कितना अच्छा है, हाँ अपने लिए करो, मतलब हमारा कुछ नहीं चाहिए, आप चौड़ दिखाने के लिए करो, तुम्हारे टेस्ट की वाहवाही करें, भाई पैबल की घड़ी पहनते हैं, क्या मजे हैं, TGIP सुनते हैं, क्या बातें सुनते हैं, जीवन तो इन्हीं का है, क्या किससे सुनते हैं, तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी समाज में, कर दिया करो, हाँ ये लालच मत करो कि अच्छी चीज तो हम ही सुनेंगे, ना ना Sharing is caring. Yes. Do that. अब तो शादी का ने बोल दिया भाई, अब तो कर दो ठीक है।